मैं हूँ डॉक्टर विभावरी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज हम जानेंगे पोस्ट एंड कोर क्या होता है, पोस्ट एंड कोर किस कंडीशन में किया जाता है, ठीक है। तो आइए चलिए हम जानते हैं पोस्ट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगर कई बार क्या होता है कि आपका दांत काफ़ी बुरी तरह से टूटा रहता है, ठीक है, तो उस टुकड़े को या उस टूटे हुए दांत को आपको बचाना है। मतलब दांत का ऊपर का क्राउन पूरा टूटा है और उस दांत का सिर्फ रूट बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रोसीजर आपको दिखाया है, ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस पेशेंट का जो भी दांत का पोर्शन है, ऊपर का पोर्शन टूट गया है, ठीक है, और अंदर से उसका रूट बचा है। अब इस रूट को हमें बचाना है और ऊपर हमें उसको दांत का शेप लाना है। तो ये हम कैसे करेंगे, तो देखिए ये हम पोस्ट की मदद से, पोस्ट की सहायता से हम इस दांत को फिर से वापस बिल्डअप करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए, ये एक पोस्ट मतलब ये एक टाइप का स्क्रू होता है, ये छोटा सा स्क्रू है जिसके आधार से या जिसकी मदद से हम दांत के ऊपर का मटेरियल बिल्डअप करते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, अगर हम सिर्फ कंपोजिट मटेरियल से अगर वो रूट पे अगर हम बिल्डअप करने जाते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं रहती है, ठीक है। तो हमें इस पोस्ट की सहायता लेनी पड़ती है। तो ये पोस्ट देखिए एक टाइप का छोटा सा स्क्रू है, तो इसको मैंने अभी यहाँ पे रूट के अंदर फिक्स किया है। तो इस प्रोसीजर के पहले ये रूट केनाल किया हुआ दांत है, ठीक है। रूट केनाल की फिलिंग करने के बाद हम आधा फिलिंग वहाँ पे निकाल देते हैं और उसमें इस पोस्ट को फिक्स करते हैं या ये स्क्रू को फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। अब ये स्क्रू या ये पोस्ट फिक्स वो रूट में फिक्स होने के बाद हम इसके ऊपर कंपोजिट मटेरियल बिल्डअप करने वाले हैं जिसकी मदद से हमें उसके ऊपर कैप बिठाने में आसानी हो। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे इसको कंपोजिट से बिल्डअप कर दिया, तो इसे हम कहेंगे कोर। मतलब जो हमने रूट में डाला वो पोस्ट है और ये ऊपर हम जो बिल्डअप किया है उसे हम कहेंगे कोर। अब ये जो दोस्तों ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट कई प्रकार के रहता है। अब मैंने यहाँ पे मेटल का पोस्ट यूज़ किया है, कई डेंटिस्ट यहाँ पे फाइबर पोस्ट या सिरामिक के पोस्ट भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस पोस्ट का सिर्फ हमें फंक्शन यही है कि हम जब बिल्डअप करते हैं उसका, जब कोर बिल्डअप कर रहे हैं, जब कंपोज्ड फिलिंग जो कर रहे हैं उसको स्ट्रेंथ मिले, ठीक है। तो ये अभी ये कंपोज्ड फिलिंग हो चुकी है और इस पर अब हम यहाँ पर अभी इसका माप लेंगे और ये माप लैब में जाएगा और वहाँ पे आपका कैप बना के आएगा। तो देखिए दोस्तों, पोस्ट और पोस्ट एंड कोर, मतलब पोस्ट और ये कोर क्या होता है। कई बार आपने डेंटिस्ट के मुंह से सुना होगा कि अगर इस दांत को बचाना है तो हम पोस्ट की मदद से या पोस्ट एंड कोर करके हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो दोस्तों ये एक छोटी सी प्रोसीजर है जिसमें पोस्ट का यूज़ किया जाता है और फिलिंग बिल्डअप की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे आशा है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पोस्ट एंड कोर क्या होता है और ये पोस्ट एंड कोर हम किस कंडीशन में करते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही आप बने रहिए, ऐसे ही मेरे चैनल्स को लाइक कीजिए और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मुझे बेझिझक वहाँ पर लिख सकते हैं या मुझे पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है, उस पर भी आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं या आपके एक्सरेज के फ़ोटोज़ या आपके दांतों के फ़ोटोज़ भेज सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपको आपके सवालों का जवाब देती हूँ। तो दोस्तों अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो ज़रूर यहाँ पर आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को ऐसे ही लाइक और शेयर किया करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।